तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने सक्सेस टू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी यानी कि जौनपुर यूनिवर्सिटी बीए बीएससी बीकॉम परीक्षा टाइम टेबल के बारे में। तो इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जौनपुर यूनिवर्सिटी बीए बीएससी बीकॉम की प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होंगे, कब एंड होंगे, मुख्य परीक्षा एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होंगे, कब एंड होंगे और रिजल्ट कब तक आएगा 2020 का। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। तो आपको इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, ज़रा सा मिस मत करिएगा, अदरवाइज नॉलेज अधूरी रह जाएगी आपकी। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम आप लोगों को दिखाते हैं कि आप लोगों को जो प्रैक्टिकल, सबसे पहले प्रैक्टिकल होता है उसके बाद एग्ज़ाम होते हैं। लेकिन कुछ साल पहले ऐसा प्रोसेस नहीं था। पहले क्या होता था, पहले आप लोगों के एग्ज़ाम हो जाते थे, ठीक है, मुख्य एग्ज़ाम, उसके बाद प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते थे। लेकिन कुछ 2-3 साल से रूल्स चेंज हो गए, तो आप लोगों को पहले प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते हैं, फिर मेन एग्ज़ाम होते हैं, वार्षिक एग्ज़ाम यानी, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों के वार्षिक एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हो, वार्षिक प्रैक्टिकल परीक्षा कब से स्टार्ट होने वाली है। तो आप 15 नंबर पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये 15 नंबर पर वार्षिक प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु परीक्षा को पत्र भेजने की अंतिम तिथि 6/1/2020 है, ठीक है। इस दिन भेज दिया जाएगा, अंतिम तिथि यही है, ठीक है, इससे पहले ही। उसके बाद ये परीक्षा कब से स्टार्ट होंगी, 16 नंबर पे आपको देखना है। वार्षिक प्रयोगात्मक परीक्षा संपन्न कराने की तिथि 5/1/2020 से 15/2020 तक, ठीक है। यानी कुल मिला के लगभग 1.5 महीने आप लोगों के वार्षिक, यानी कि जो आप लोगों के प्रैक्टिकल परीक्षाएं हैं वो 1.5 महीने चलने वाली हैं, ठीक है। 1.5 महीने क्यों, सॉरी, 1 महीने चलने वाली, 15/1/2020 से 15/2020 तक, है ना। तो आप लोगों के 1 महीने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने वाले हैं, क्योंकि बीच बीच में थोड़ा गैपिंग भी हो जाती है ना 1-2 दिन की, तो इसलिए वो 1 महीने लग जाएगा। जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट होंगे उसी के हिसाब से आप लोगों के प्रैक्टिकल होंगे। इसके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप जिसके थ्रू यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया है या कॉलेज से हैं तो उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, फिलहाल आप लोगों को इन्फॉर्मेशन करेंगे कि हाँ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने वाले हैं, आप लोग रेडी रहिए, ठीक है। तो आप लोगों को प्रैक्टिकल की डेट पता चल गई होगी, क्योंकि आप लोगों को जोड़ों तोड़ों से अपनी तैयारी करना है। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो मेन एग्ज़ाम होने वाले हैं वो कब से स्टार्ट होने वाले हैं, वार्षिक एग्ज़ाम। तो आपको कहाँ पर देखना है ये सब, आप जो इसमें जो सेमेस्टर वाइज स्टूडेंट है वो सेमेस्टर वाइज अपना आपने अकॉर्डिंग देख लेंगे कि सेमेस्टर वाइज भी इसमें दिया गया है, लेकिन मैं वार्षिक की बात कर रहा हूँ। तो 20 नंबर पे देखना है स्टूडेंट को, संस्थागत तथा व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम, ठीक है। तो जो वार्षिक परीक्षा स्टार्ट होने की तिथि वो 25/2020 से 25/4/2020 तक, ठीक है। आप लोगों के 25 से यानी कि फरवरी से और अप्रैल तक होने वाले हैं एग्ज़ाम, इसी दोनों मंथ के बीच यानी कि लगभग 2 महीनों के बीच आप लोगों के सारे बीए बीएससी बीकॉम के एग्ज़ाम हो जाएंगे। और जो वो वाली स्कीम होती है, एक और स्कीम होती है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि हिंदी की इस डेट को है, इस टाइम पे है, इंग्लिश को इस डेट को इस टाइम को, वो वाली अभी स्कीम नहीं आई है। फिलहाल जैसे भी आएगी मैं आप लोगों को वीडियो के जरिए इन्फॉर्मेशन कर दूंगा, लेकिन ये भी जानकारी आप लोगों को देना था कि हाँ इस डेट से स्टार्ट हो रहे हैं, जिससे आप लोगों को बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर एटलीस्ट इतना तो बताइए कि किस डेट से स्टार्ट हो रहे हैं, तब तो हम लोग उसी हिसाब से तैयारी प्रिपरेशन करें। तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये डेट बता दी है। तो आप लोगों को अब क्या करना, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं हुआ है, तो आप मार्केट से सीरीज खरीद लिए, उससे पढ़ाई करिए और ज़ोर तोड़ से आप लोगों को तैयारी करना, क्योंकि आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो मेहनत करिए, आई होप आप लोगों को पूरी सफलता मिलेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सेमेस्टर वाले भी देख सकते हैं, सेमेस्टर वाले जो भी स्टूडेंट हैं वो देख लेंगे, यहाँ पर डेट पूरा सब पड़ी हुई है। अब हम बात करते हैं कि ये जो एग्ज़ाम हो जाएंगे उसके बाद इसका रिजल्ट कब तक आएगा। इस PDF में ये भी दे दिया गया है, परीक्षा परिणाम घोषित करने की तिथि 5/6/2020, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि हाँ एग्ज़ाम की जो रिजल्ट है वार्षिक परीक्षा की वो कब तक आएगा 2020 का। तो इसमें 5/6/2020 लिख दिया गया है। तो फाइनली मैं कह सकता हूँ कि इस डेट से स्टार्ट होना यानी कि रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन सारे एग्ज़ाम इसी डेट को नहीं आएंगे, ठीक है। स्टेप बाय 1-2 दिन आगे पीछे इसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते आएंगे, क्योंकि मैं पिछले
कई सालों से देख रहा हूँ कि एग्जैक्ट जितने डेट बताते हैं, जैसे 5 को बताए तो 5 को सारे रिजल्ट नहीं आते, एक दो रिजल्ट आ जाते हैं, जैसे कि बीए फर्स्ट ईयर या बीएससी थर्ड ईयर ऐसे आते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी, और यही जानकारी देनी थी इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। मुझे थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिली वेबसाइट से कि हाँ ये जानकारी आप लोगों तक पहुँचाना ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और हाँ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि मैं डेली शाम को मॉडल पेपर की तैयारी कराता हूँ। पिछले साल के जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे उसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को शाम को प्रत्येक दिन मॉडल पेपर प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, और उसमें आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि क्या होता है ना, आपको आइडिया लग जाएगा हाँ कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्या प्रोसेस होता है, पूरी जानकारी मैं उसमें बताता हूँ। तो वो क्लासेस भी आप अटेंड कर सकते हैं। और हाँ, जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे इसी तरह की आपको लेटेस्ट वीडियो और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो PDF है, अगर आप लोगों को ज़रूरत है इस PDF, जैसे कि ये सारी जानकारी इसमें दी गई है, तो ये PDF आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फेसबुक पेज और वेबसाइट का लिंक मिलेगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर क्लिक करेंगे तो आप वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, जिन स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो बेशक वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनका 100% रिप्लाई देता हूँ। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।